गुड मॉर्निंग क्लास फोर के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण किताब से एक्सरसाइज थ्री, पहले भी पढ़ाया जा चुका है, आज मैं फिर आपको एक्सरसाइज थ्री बता रहा हूँ। यह एक्सरसाइज थ्री में आपको क्या बताना है, तो एक्सरसाइज थ्री है जिसमें लिखा है, चैप्टर का नाम है शब्द। यह शब्द, शब्द क्या है? हम कुछ भी जब बोलते हैं अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किसी के सामने, जब अपने विचार को रखते हैं, तो उसमें हम शब्द के माध्यम से ही रखते हैं, क्योंकि शब्द ही हमारे भाव बनते हैं। अब देखिए यह शब्द क्या है, तो जब एक से अधिक शब्द, एक से अधिक वर्ण आपस में जुड़कर एक अर्थ व्यक्त करते हैं, जुड़कर एक अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसको हम शब्द कहते हैं। देखिए उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है यहां देखना, वर्ण आपस में जुड़ते हैं, तो एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, इस तरह से भी जुड़ेंगे, कहीं कहीं एक दो तीन चार वर्ण जुड़ेंगे आपस में। अब जैसे एक वर्ण है म, एक वर्ण है ह, एक वर्ण है ल, जब यह आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा महल, इस तरह से एक शब्द हो गया। इसी तरह से ह, म, लो, ग, ये सभी आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, हम लोग, इस तरह से यह अर्थ देने वाला मिल गया हमको। तो एक से अधिक वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम शब्द कहते हैं। अब यह शब्द, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक, अभी जो हमने पढ़ा यह है सार्थक। सार्थक का मतलब जिसका सही सही अर्थ हो, सही अर्थ हो, इसको हम सार्थक कहते हैं। और दूसरा है निरर्थक। दूसरा क्या है, निरर्थक, या निरर्थक क्या होता है, जिसका अर्थ नहीं हो, जिसका अर्थ नहीं हो। दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। तो इस महल कहने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह कोई राजा का महल हो। देखिए राजा का महल हो, हम लोग, तो हम लोग जब कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, हम लोग एक से अधिक लोग हो जाते हैं, तो यह सार्थक है। लेकिन निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जैसे खाना, तो खाना तो शब्द है, लेकिन उसके साथ कहते हैं ना खाना वाना खा लो, तो ये वाना शब्द क्या है। कभी कहते हैं चाय वाय पी लो, तो चाय तो समझ में आती है, वाय क्या है, पानी वानी खा पी लो, तो पानी तो समझते हैं, वाणी क्या है। तो इस तरह से जो शब्द अर्थ न दें उसको निरर्थक शब्द कहते हैं, और इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं, केवल वाक्य को बनाने के लिए कभी कभी प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए इसको, इस चैप्टर में सब कुछ बताया जा चुका है, अब देखिए इससे आपको सही अर्थ वाले, तो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ, राघो तो घोड़ा कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए पहाड़, यहाँ कर दीजिए सड़क, यहाँ कर दीजिए धरती, यहाँ कर दीजिए वारदात, यहाँ कर दीजिए कागज, यहाँ दरवाज़ा हो जाएगा, दरवाज़ा दरवाज़ा हो जाएगा, इस तरह से। अब इधर आ जाइए, कौन सा शब्द सार्थक नहीं है, इसमें सार्थक नहीं है, मतलब निरर्थक है, तो विताब, बाकी सब तो सार्थक हैं। उसके बाद यहाँ आइए तो देखिए कौन सा शब्द सही नहीं है, तो मड़का, मकार, कमरा, कराम, कौन सा शब्द सही है, तो कमरा सही है। कौन सा शब्द सही नहीं है, तो कमर, गरम, मगर, रगम, तो यहाँ देखिए रगम यह का शब्द सही नहीं है। इस तरह से आप इस चैप्टर को बनाइए।